even get to cross. के सब सब मेरा इम्प्रिंस और आप देख रहे हैं मसल्स ऑन व्हील्स। सो गाइस, ये वीडियो कुछ हैबिट्स के बारे में है जो आप डेली अपनी लाइफ में ऐड करो, जो कि बहुत लाइट चीज़ हैं, आप डेली अपनी लाइफ में कर सकते हो। ये उनके लिए हैं जिन्होंने फैट लॉस करना है, क्योंकि घर में बैठे बैठे काफ़ी सारे लोग फैट बढ़ गया है, मोटे हो गए हैं, वेट बढ़ गया है, अब लोगों ने वेट लॉस करना है। इवन जो पतले पतले लोग हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता, उनका भी घर बैठे बैठे खा खा के वेट बढ़ गया है। सो ये उनके लिए है जिनको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, और जिनकी स्किन भी लाइट हो गई है, थोड़ी डल हो गई है, उसके लिए भी अच्छा है। तो मैं चीज़ें आपको दो तीन चीज़ें टिप बताऊंगा इस वीडियो में जो कि असली में काम करती हैं। और जिन्होंने अपना वेट मैनेज करना है, जिन्होंने वेट लॉस कर लिया, और वेट मैनेज करना सबसे मुश्किल चीज़ है, वेट मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वेट लॉस तो कर लेते हैं, मगर जो वेट जिन्होंने जो मोटे लोग हैं जिन्होंने जो पतले हुए होंगे उनको पता होगा कि वेट मैनेज करना कितनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मन करता है बाहर खाने का, एक बार वेट लॉस कर लिया फिर लगता है यार चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्या जाता है, मगर अगर थोड़ा बहुत खा लेते हो ना तो बॉडी जल्दी से जल्दी फैट अडैप्ट ऐसे कर लेती है। तो वेट मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फैट लॉस करते हो, आपने फैट लॉस कर लिया, वेट लॉस कर लिया, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल चीज़ है और बहुत ज़रूरी भी है, करना चाहिए उसको, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो सबसे पहले टिप है जो कि हमारे इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ही बुरी चीज़ है, सुबह उठते ही आंखें मसल रही हैं तो चाय दे देते हैं भाई हाथ में, बैठ के कोने पे चाय आ जाती, डाइनिंग टेबल पे चाय आ जाती, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो, छाछ पी लो। तो ये बहुत बेकार चीज़ है। सुबह उठ के आपने ये चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीनी, तो जो डाइजेशन वगैरह होती है सब एकदम स्लो हो जाती है। और मेक श्योर आप जैसे सुबह उठो आपने 200 ml दो ग्लास पानी पीना है, एप्पल साइडर विनेगर डाल के और एक दिन नींबू डाल के, ठीक है। तो पानी वो कोसा कोसा होना चाहिए, लाइक इतना भी गर्म ना हो कि आप उसको फूके मार मार के पियो, इतना भी ठंडा ना हो कि आप ऐसे पी लो। ऐसा होना चाहिए कि आप 200 ml पानी 5 से 6 सिप में पियो, इतना गर्म ना हो, बेसिक गर्म हो कि आप उसको आराम से पी पाओ, आपको ज़्यादा गर्म ना लगे या पेट गर्म ना हो, ठीक है। तो एक दिन आपने एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीना है, एक दिन आपने नींबू डाल के पीना है, ये ऑल्टरनेट है, चेंज करते रहना है। और ये 400 ml पानी पीना है दो ग्लास 200 ml के, और बैठ के पीना है, खड़े होकर नहीं पीना। जैसे आपने कुर्सी पे बैठ गए, बेड पे बैठ गए, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, सीढ़ियों पे बैठ गए, घर की कहीं पे बैठ गए, आपने बैठ के पानी पीना है, खड़े होकर नहीं पीना, ठीक है, इसका भी फर्क आता है। और सेकंड चीज़ है जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, स्किन क्वालिटी के लिए काफ़ी अच्छी है, बोन्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, गट के लिए काफ़ी अच्छी है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी है, पेट के लिए बहुत अच्छी है। सो ये चीज़ की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और प्रूवन रिजल्ट्स हैं, 2 हफ्तों में 2 से 5 किलो वेट कम कर देता है ये। और ये मेरे दोस्त हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले बताया था, तो वो अपने क्लाइंट्स को देते थे। सो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आपने क्या करना है, इसकी मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आपने एक भगोना लेना है, उसमें पानी डालना है, उसको गर्म करना है, तो उसमें भी 200 ml पानी, तो उसमें आपने एक चम्मच, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 2 इलायची, 4 वो काली मिर्च गोल गोल जो होती है, 4 लौंग वो डाल देनी है, 2 चुटकी काला नमक, और अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें आपने आधा आधा चम्मच ऐसे डाली और आपने उसको गर्म कर लिया, उसको छाना, उसको पी लिया। तो आपने कब पीना है, जो आप अपने सुबह जो भी आपके बड़े मील होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया और डिनर हो गया, लंच हो गया, तो आपने जो भी बड़े मील कंज्यूम करे हैं उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट बाद आपको ये पीना है 200 ml एक ग्लास, वो भी गर्म होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि आप फूंक मार मार के पियो कि आपको थोड़ा गर्म गर्म लगे पेट में। तो इससे क्या होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, स्किन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बोन भी स्ट्रांग होती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, स्किन क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। ये ट्राई करोगे आपको तभी पता लगेगा, और वेट भी मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा कारीगर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ये चीज़ें इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, शायद मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप वो देख सकते हो। इसमें आप कच्ची हल्दी भी डाल सकते हो, पर कच्ची हल्दी बहुत गर्म होती है, अभी मिलेगी भी नहीं, शायद सर्दियों में आती है, वो अदरक जैसी होती है। तो आप ये पीना है, जैसे ही आपका ब्रेकफास्ट हुआ उसके 20 से 25 मिनट बाद एक ग्लास, आपका लंच हुआ 20 से 25 मिनट बाद एक ग्लास, या आप अपने ऑफिस में भी बनवा सकते हो, या आप इसका पाउडर बनवा सकते हो, जो भी किराने की दुकान पे है, वो मिक्सी विक्सी होती है इनके पास, वो पाउडर बना देंगे, वो पाउडर आपने 2 चम्मच डाला एक ग्लास में, उसको उबाला, पी लिया, वो आप ऑफिस में भी बना सकते हो, पाउडर कैरी कर सकते हो, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं और बहुत ही बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है। और डिनर जैसे किया उसके 20 से 25 मिनट बाद आपने ले लिया, तो ये होगी दूसरी चीज़। और जो तीसरी चीज़ है वो आपने अपने आप को टाइम देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे ऑफिस से आया हूँ, थक गया हूँ, एक्सरसाइज नहीं करनी, या एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, अरे मेरे पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, ये है वो है, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ। तो भाई बड़े से बड़े लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, एक शरीर ही है जिसको टाइम दोगे जो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है।
शरीर पे काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, कभी धोखा नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस ने दिखा दिया है अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो भाई बच जाओगे, वरना तो शरीर को अपने टाइम दो, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को टाइम दो, मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट अपनी बॉडी को टाइम दो। आप जिम जा सकते हो, अब तो जिम भी खुल जाएंगे 5 तारीख से 10 तारीख से, जो भी है दिल्ली में, बाहर का मुझे पता नहीं। सो, आप अपनी बॉडी को टाइम दो, आप जिम जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, घर में ही कार्डियो कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, घर की सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कूद सकते हो आधा घंटा, बहुत सारी चीज़ें करने वाली, बहुत सारी चीज़ें आप कार्डियो कर सकते हो वेट मैनेज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अपनी बॉडी को हर कोई, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, चाचा अंकल हो, कोई भी हो, दोस्त को, हर किसी को जरूर बोलो कि अपनी बॉडी को 30 से 40 मिनट जरूर दें, चाहे पार्क में सैर कराओ या आप रनिंग कर लो, साइकिल चला लो, स्प्रिंट कर लो, घर पे ही कार्डियो कर लो, जंपिंग कर लो, 100 तरीके की एक्सरसाइज हो जाती हैं। तो आप ज़रूर करो, अपनी बॉडी को टाइम दो, तो तीसरी चीज़। और जो चौथी चीज़ है, आप शुगरी चीज़ अवॉइड करो, एक बार ऑयली चीज़ आप फिर भी खा लो तो वो फिर भी कहीं ना कहीं निकल जाती है, हमारे जो शुगर ऐसी चीज़ है जो जम जाती है, ठीक है, शुगर की जो फैट होता है वो निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो शुगरी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो, जो मीठा वीठा होता है, या चाय में चीनियाँ भर भर के, कॉफ़ी में चीनियाँ भर भर के खाते हो, तो वो चीज़ प्लीज़ अवॉइड करो, ठीक है। और प्रोसेस फूड, ये चाइनीज वाइनीज फूड जो बाहर का आपको मिलता है, ये सारा गंद वगैरह खाना अवॉइड करो। कभी कभार खा लिया आपने, ये नहीं कह रहा मैं आपने खाना ही नहीं है, आप बाहर गए, कभी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ या चिली पटेटो खाने का मन हुआ, मोमोज खाने का मन हुआ, आप खा लो, लाइफ है, लाइफ इन्जॉय करनी है, खाओ पियो, बट मेक श्योर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वो वाटर पी रहे हो, सुबह भी आप पानी पियो, दिन में 3 बार जब बड़े बड़े मील लो, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वो जीरा अजवाइन ये सब वाला पानी पियो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका वेट बैलेंस रहेगा, वेट कम भी होगा, फैट भी कम होगा। वेट और फैट कम होने में दोनों में अलग अलग चीज़ है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। वेट कम करना अलग है, फैट लॉस करना अलग है, दोनों चीज़ काफ़ी अलग अलग है, तो ये चीज़ मैं अलग चीज़ बताऊंगा, मगर इन चीज़ों से आपका वेट भी कम होगा, फैट भी कम होगा, आपके स्किन में ग्लो भी आएगा, आप हेल्थी भी फील करोगे, अंदर से एनर्जेटिक भी फील करोगे। तो ये कुछ चीज़ें करो, मगर शुगर अवॉइड करो, प्रोसेस फूड अवॉइड करो, गंद मंद मत खाओ, बाहर बहुत ऑप्शन है खाने के लिए, हेल्थी मिल जाते हैं ढाबों पे, दाल वाल जो भी, आप बाहर ट्रैवलिंग पे जाओ, मैं तो पनीर की भुर्जी, अंडे की भुर्जी या दाल सैलेड ये सारी चीज़ें मंगवा लेता हूँ, खा लेता हूँ, राइस खा लेता हूँ, मैं बाहर की रोटी वगैरह ये सब अवॉइड करता हूँ, मुझे पता नहीं कैसा हटाता है, पर मैं चावल खा लेता हूँ बाहर के, एक प्लेट चावल खा लिए, छोले दाल वगैरह 2-4 सब्जियाँ डाल के, अंडे खा लिए 2-4, ये तो ईजिली मिल जाता है, ठीक है। और जो नॉनवेज नहीं खाते, पनीर की भुर्जी खा ली उन्होंने, साथ में छाछ पी ली, एक मदर डेयरी हर जगह लोकल मिल जाती है, या छाछ के पैकेट हर जगह दुकानों पर मिल जाते हैं, अमूल छाछ आती है वो पी लिया, ठीक है। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो, जूस वूस पी लिए, ठीक है, शेक पी लिया, ये सारी हेल्दी चीज़ें आप बॉडी में अडेप्ट करो और ये डेली लाइफ में अडेप्ट करो, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप अगर फैट लॉस भी कर लेते हो तो दोबारा आपका फैट गेन नहीं होगा, क्योंकि ये है आपको, आपने फैट लॉस कर लिया तो आपकी ये लाइफस्टाइल हो गई। अगर आपने सोचा कि मतलब तो पतले हो गए तो खा पी लेते हैं, तो ऐसे दोबारा फैट बॉडी गेन कर लेती है, तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो, सुबह उठे अपने पानी पिया, ऐसे बैठ के एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिया, नींबू डाल के पिया, सबके घर में मिल जाता है नींबू, तो ठीक है, आपने सुबह शाम और रात ऐसे पानी पी लिया, कभी पी नहीं पाए तो दिन में 2 बार पी लिया या 1 बार पी लिया, रात को सोते टाइम पी लिया, आपने बाहर का खाना अवॉइड करा, ये सारी चीज़ें बहुत हैं आपको वेट मैनेज करने के लिए, वेट कम करने के लिए, ठीक है, और फैट कम करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, मगर ये है कि अगर आपने फैट लॉस करा है उसको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर चूक करी तो ऐसे बढ़ जाता है, तो आप ये 3-4 चीज़ें फॉलो करोगे, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि कम होगा, आपको आप ही करोगे ना आपको तभी पता चलेगा। तो यही थी वीडियो में, इसको कोई भी कर सकता है, आपके आप हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, आपके घर परिवार में कोई भी हो, आपके दादा हो, दादी हो, कोई भी कर सकता है इसको, और ये बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और यही था इस वीडियो में, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका ही है, और यहाँ तक वीडियो देख लिया सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक लेके, जो फैट लॉस का बताया मैंने सारी चीज़ें ये काम करती हैं, एक बार फॉलो करके देखो और मुझे इंस्टाग्राम पर फीडबैक देना कि भैया भाई दोस्त कोच साहब जो भी आप बोलते हो कि मैंने ये चीज़ फॉलो करी और मुझे रिजल्ट आए हैं, ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।